हाँ जय हिंद आप सभी लोगों को गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि AYA में आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई किए हैं और आपके अंदर बहुत ही निगेटिव क्या बोलें जो भी है कि आप लोग जो टेक्स्ट करते हैं कमेंट करती हैं फिर उसके बाद जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ यही आते रहता है कि मुझे मेरा कल है बहुत ज़रूरी ऐसा वैसा। बहुत जैसे मेरे पास मान लीजिए अगर 50 कमेंट आया हुआ है 50 टेक्स्ट आया हुआ है तो उसमें से सिर्फ 2-3 कैंडिडेट का ही रिप्लाई आता है, उनसे कांटेक्ट में बना हुए होते हैं। तो चलिए आज आपका 9 सितंबर अभी आपका समय हो रहा है 6 बज रहा है, 6 से 7 के लगभग हो रहा है और यह आपको वीडियो बताने जा रहा हूं ट्रेड टेस्ट के बारे में। आज क्या आपका 9 सितंबर के दिन पूछा गया है, दीपू आपका रैली सेंटर है, ठीक है। मैं क्यों सबसे पहले ट्रेड टेस्ट का ला रहा हूं, रनिंग का, अकोमोडेशन का, इन सब का नहीं ला रहा हूं, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है जो 10 तारीख के कैंडिडेट्स जा रहे हैं ताकि वो अपना कुछ पढ़ सके, इसलिए उनके लिए मैं अब पहले ट्रेड टेस्ट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद रनिंग वनिंग का बता दूंगा। रनिंग तो अभी बता दूंगा, तो आपका रनिंग तो अगर 9 मिनट जा रहा है तो तुरंत 6 मिनट तो आ नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका यही AYA पैरामेडिकल का। हाँ, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है तो डायरेक्ट आइए टेलीग्राम पर @KadetHemant, वहाँ से आकर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आप वहीं पर परेशान रहती कमेंट बॉक्स में ही। तो आपका ट्रेड टेस्ट में आज क्या हुआ, आज के दिन अभी कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए कितने नहीं, वो सब बाद में आप देख लीजिएगा, बना दूंगा उसके बारे में। तो आपका ट्रेड टेस्ट के बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं कितनी बार आपसे बोलते हुए आ रहा हूं, कितनी बार बोलते हुए आ रहा हूं कि आप यह जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, पैरामेडिकल, AYA पैरामेडिकल और नर्सिंग असिस्टेंट, यह 3 जो ट्रेड हैं आपका घुमा फिरा के किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, जो नर्सिंग असिस्टेंट वालों से पूछा जा रहा है वही इन दोनों में, लैब वाले में और यह पैरामेडिकल वाले में, AYA पैरामेडिकल वाले में पूछा जाएगा। लेकिन तो आप लोगों को ऐसे चाहिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोग विश्वास ही नहीं हो रहा, तो चलिए आज आपसे वही नर्सिंग असिस्टेंट में जो जो सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके इसी में भी पूछे जा रहे हैं AYA पैरामेडिकल में। तो समझ में आया, जितने लोग नर्सिंग असिस्टेंट का पढ़ चुके उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं नर्सिंग असिस्टेंट का PDF टेलीग्राम में सेंड किया हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेड टेस्ट का क्वेश्चंस करवाया हूँ और क्वेश्चंस है उस पर और कुछ आंसर है। मान लीजिए 100 क्वेश्चंस है तो उसमें से 35 का, 10 का, 20 का ही सिर्फ आंसर दिया हूँ, क्योंकि आप उसे रिसर्च करके खुद खोजें खुद समझें तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं वही नर्सिंग असिस्टेंट वाले, 4 से 5 क्वेश्चन, अब उसके सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ लिए, मतलब ओवरऑल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, कौन सा कैंडिडेट्स कैसा है। अब आप चुप हो जाएंगे वहीं पे, इधर उधर देखेंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ जवाब ही नहीं देंगे तो आपसे तो कोई मुंह खुलवाएगा नहीं कि बोलिए बोलिए, ठीक है। तो उसमें आपके टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, थर्मामीटर के बारे में, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में आप जान लीजिएगा कि नॉर्मल कितना होता है, कैसे क्या होता है ब्लड प्रेशर का, जितने भी रिलेटेड हैं सबके बारे में, एड्स का फुल फॉर्म, HIV का, ह्यूमन इम्यूनो वायरस वाला जो गया एड्स हो गया, अक्वायर इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं आपको यह सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, HIV क्या होता है, वायरस है किस का, यह नहीं, एड्स का अटैक किस, मतलब HIV वायरस है किस लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, तो इतना मतलब नहीं पूछेंगे, T4 थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, इतना नहीं पूछेंगे, बस आपसे ऊपर ऊपर ही पूछेंगे। और इंजेक्शन के बारे में, सिरिंज इंजेक्शन का मैं आपको टेस्ट वाले वीडियो में ही बता दिया था नर्सिंग असिस्टेंट में कि आपसे इंजेक्शन के भी बारे में पूछेंगे, पूछ सकते हैं। और डिजीज कॉज्ड बाय, PDF में पूरा सेंड किया हूं किससे कौन सा डिजीज होता है ह्यूमन बीइंग में, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि होम नर्सिंग जो डिफेंस का एक पार्ट है, होम नर्सिंग नाम से PDF सेंड किया हूँ, और ये जो है कि एक पार्ट होता है, सबको सिखलाई दी जाती है, चाहे वो कोई AMC में जा रहा है, मेडिकल कॉप्स में जा रहा है, चाहे न जा रहा हो, हर एक सोल्जर्स को
आपको बैंडेजिंग यह सब सारी चीज़ों को बताया जाता है, तो आप देख लीजिएगा ठीक है पीडीएफ को जा करके। और नंबर ऑफ बोन पूछा गया, कितने नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ मसल्स, टीथ, इन सब के बारे में ही पूछा जा रहा है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन से बताया हूँ आप एक बार फिर से सुन लीजिए। पीडीएफ उडीएफ क्या चार क्वेश्चन के लिए मैं पीडीएफ बना के सेंड करूँ। टेम्परेचर के बारे में, ब्लड प्रेशर, एड्स, एचआईवी, इंजेक्शन का, इंजेक्शन के बारे में आप जान लीजिएगा। डिजीज कॉज्ड किससे होते हैं, अगर आप उसी इंजेक्शन को यूज कर ले रहे हैं, मतलब कि एक पर्सन को यूज किए दूसरे को भी वही लगा दे रहे हैं, यह सबसे नहीं पूछा गया है, सिर्फ एक कैंडिडेट से ही पूछा गया है। और थर्मामीटर के बारे में, नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ मसल्स, यही सब चला हुआ है। और यहाँ पे जो लास्ट तक बने हुए हैं, जैसे कि प्रीत और प्रतीक्षा दो कैंडिडेट हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, लेकिन तो उनका मैं कुछ रिप्लाई देख ही नहीं रहा हूँ, मैं कमेंट किया तो। और स्वाति जो है कि महाराष्ट्र से आ रही हैं, उनका 10 सितंबर को है, तो आप ही लोगों के लिए मैं यह बना रहा हूँ, नो फियर ऑफ डेथ, ठीक है। तो आपका यही था इस वीडियो में, आज आपका किन किन का रैली हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये इस वीडियो में बात नहीं होगा। इसके लिए आप अगले वीडियो के लिए ट्यून रहिए, आपका अकोमोडेशन, रनिंग, इन सब के बारे में, ठीक है। और जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।